श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत के सीईओ शैलेश सिंह के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटाकर अपमान करने को लेकर भीम आर्मी ने तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम नीरज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नहीं थी, केवल गांधी जी की तस्वीर रखी थी। तो हमने वहां बैठे जनपद कर्मियों से कहा कि आज के दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर रखना जरूरी है और ऐसे दिशा निर्देश सरकार ने भी जारी किए थे। तो उपस्थित लोगों ने बताया कि पहले बाबा साहब की तस्वीर रखी थी लेकिन जनपद सीईओ ने उसे हटवा दिया है, जिस पर हमने सीईओ शैलेंद्र सिंह को तस्वीर रखने को कहा तो उन्होंने हमसे अभद्रता करते हुए बोला कि हमें ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, जाओ आपकी मर्जी हो वो करो, मैं बाबा साहब की तस्वीर नहीं रखता। इससे वहाँ उपस्थित लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंची ही, साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान हुआ है एवं सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना हुई है। उक्त कृत्य करने वाले जनपद सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ निलंबित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अपमान करने वाले जनपद पंचायत अधिकारी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त बहुजन समाज एवं भीम आदमी जन आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विजयपुर से खबर हरपल की पंकज श्रीवास की खबर। पंचायत में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा बाबूजी की जो द्वारा रखी गई और जनपद सीईओ शैलेंद्र सिंह के द्वारा हटवा दी गई, और जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि आप जब मुझे ज्ञान की जरूरत होगी तो मैं आपसे ज्ञान लेने की कोचिंग पढ़ने के लिए ज्ञान ले लूँगा, और उसों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अगर हमारे आवेदन पर अगर उनको कार्रवाई नहीं की जाती और उनको निलंबित नहीं किया जाता है तो बहुत जल्द बीमार भी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जनपद पंचायत में बाबा साहब की और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा रखी हुई थी, वहाँ से सीओ जी ने वहाँ से उस प्रतिमा को हटा दिया। मौके पर श्रीपद अंकल जी एसपी साहब जी वहाँ पर पहुँचे, जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो सीओ जी ने बोला कि हमें आपसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें आपसे ज्ञान लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे कोचिंग ले लेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसे सीओ को वहाँ पर रखा जाए, उनको तत्काल निलंबित किया जाए। दिनांक 26 जनवरी 2023 को जब गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी तो करीब 8:30 बजे के करीब मैं और मेरे साथ कुछ लोग और अन्य थे, हम लोग तैयारी में जनपद पंचायत में गए थे तो वहाँ पर अकेले गांधी जी की मूर्ति रखी थी। तो मैंने कहा था कि भाई आज संविधान लागू हुआ इसलिए इस उत्सव को मनाया जाता है, आज के दिन तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर रखी होनी चाहिए। तो वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि तस्वीर तो रखी थी हमने लेकिन जनपद पंचायत के सीईओ शैलेंद्र सिंह ने तस्वीर को हटा दिया। तो मैंने कहा कि सीईओ साहब तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे ना समझे और ऐसी मूर्खता तो ना समझ लोग ही कर सकते हैं। इतने में सीईओ साहब आ गए तो सीईओ साहब ने मुझसे कहा कि ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूँगा, मैंने हटवा दी, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मैं नहीं रखूँगा। मैंने कहा अब भी रख दो, देखो मेरा काम नहीं है, सरकार के प्रोटोकॉल का पालन है और सरकार के आदेश हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर रखी जाए। तो उन्होंने जो है बड़ी अभद्रता के साथ उल्टा सीधा बहुत बहस की, करीब आधा घंटे बहस की थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी तो भावनाएं आहत हुई लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई और बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है, ऐसे जनपद पंचायत के सीईओ शैलेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित किया जाए।